अपने सहारे चले वही है बड़ा आदमी, जो अपने सहारे चले वही है बड़ा आदमी, जो गम के साए में पले वही है बड़ा आदमी, वही है बड़ा आदमी। अकेला है तो क्या हुआ, ईमान तेरे साथ है, न डर तू रास्तों से के भगवान तेरे साथ है, जो सच से ना कभी टले वही है बड़ा आदमी, वही है बड़ा आदमी। जिसमें दम उसे भला जमाना क्या मिटाएगा, कदम बढ़ा फलक भी तेरे आगे सर झुकाएगा, जो मौत से भी ना डरे वही है बड़ा आदमी, जो अपने सहारे चले वही है बड़ा आदमी, वही है बड़ा आदमी। काम हो गया जी, ये लीजिए। पुलिस से तो कोई गड़बड़ नहीं हुई? जी नहीं, सब काम होशियारी के साथ हो गया। बस एक तोहफा लाया हूं। तोहफा? जी, है तो दो पैसे का, लेकिन कब्जे में आ जाए तो एक रात में लाखों का फायदा हो सकता है। क्या चीज है? आइए मेरे साथ। राम राम। यह है वो। कौन है? क्या करता? जी मैं केशव, ताला चाबी बनाने वाला। ताला चाबी वाला? जी केशव, वो है ताला। बन जाएगी चाबी। कितनी देर लगेगी? यही कोई 10-15 मिनट। और अगर किसी को जल्दी हो तो? जल्दी हो तो फिर ताला तोड़ना पड़ेगा। तोड़ डालो, ताला खराब हो जाएगा। हो जाने दो खराब। कुछ ताले नीचे भी। आओ मेरे साथ। वो तिजोरी भी खोलो। इस तिजोरी की चाबी भी गुम हो गई है। खोल सकते हो इसे? मालूम होता है तुम्हारा चाबी का गुच्छा खोया गया। ये ताले तोड़ने कहां से सीखे हैं तुमने? सांप
मैं खानदानी ताला चाबी वाला हूँ, बनाते बनाते तोड़ना भी आ गया है। मेरी मेहनत आठ आने एक ताले के हिसाब से ये नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं साहब, आठ आने एक ताला तोड़ने के, और अगर आपको ताला बनवाना हो तो उसके पांच रुपए। बनवाने के तो आठ आने भी ज्यादा है, हाथ तोड़ने के ज्यादा मिल सकते हैं। मालूम होता है तुम्हें तो ताले तोड़वाने का शौक है, है कोई और? है, बहुत से हैं, मगर इंतजार करना पड़ेगा। ये लो रख लो। ये किस बदले के हैं? दोस्ती के। देखो केशव, तुम चाहो तो हम लोगों की किस्मत बदल सकते हो। साहब, किस्मत बनाने वाला तो भगवान है। तुम कहो तो ये सब ताले बना दूं? बहुत भोले हो तुम। तेजो, समझाओ इसे। बात यह है केशव कि बास को रुपयों की आजादी की चिंता खाई जा रही है। लोगों ने रुपयों को काली काली तिजोरियों में बंद कर रखा है। बॉस तुम्हारी मदद से उन बेकस रुपयों को हरकत में लाना चाहते हैं। बस तो तुम मुझसे चोरी डकैती कराना चाहते हो? इस दिलेर पेशे का नाम किसी बुजदिल इंसान ने चोरी डकैती रखा है। बुजदिल इंसान ने नहीं, शरीफ इंसान ने। चोरी का माल हराम का माल है। देखो केशव, हराम का माल वो है जो तिजोरियों में बंद है। जो माल चलता फिरता रहता है ना, वो हराम का नहीं हो सकता। तुम थोड़ी सी मदद मेरी कर दो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ना मुझे तुम्हारे पैसे वैसे चाहिए, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। साहबजादे, हमसे जिद अच्छी नहीं। मुझे इनकार है। हमसे इनकार करने वाले केशव, हमारे मेहमान रह जाओ, हमारी जिंदगी का लुत्फ ले लो। शायद तुम्हें यहां की आबो हवा रास आ जाए। जा दीवानिया।
देवी तेरा लाख बार शुक्रिया, मैं तेरा धन्यवाद कैसे करूं? तूने आज मुझे बहुत बड़े पाप से बचा दी, जिसका प्रायश्चित मैं सारी जिंदगी नहीं कर सकता। इस धंधे में कितना खोट है इसका मुझे पता ना था। देवी मैं तेरी सौगंध खाता हूं, मैं अब ये धंधा ही छोड़ दूंगा और ये शहर। मैं अब इन हाथों से ऐसे पाप के काम कभी नहीं होने दूंगा। तुम मुझे सीधे रास्ते पे चलाना। धन्य तुमने मेरा सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया है। चलो मैं अपनी जान दे दूंगा मगर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं कसम खा चुका हूं। कसम खा चुके हो लेकिन जानते हो मेरा नाम तेज बहादुर है। चोरों के नाम के आगे बहादुर लगाना बहादुरी की तौहीन है। केशव तो मुझसे कोई पाप हो जाएगा। जाओ नजर नहीं आती, कहां जाओगे तुम? बस इस खेत से निकल जाएंगे गांव। लाओ पैसे, तुम्हारी मर्जी भाई। ये सुनसान जगह, पास कोई घर नहीं और जख्मी क्यों बेटे? तुम किसके बच्चे हो? कहाँ है तुम्हारी मम्मी? अरे भाई सुनना, तुम्हें मालूम है ये बच्चा किसका है? मारा तो कौन है मैंने को ना मालूम, कौन को बच्चे नहीं मालूम। बड़े ताचुक की बात है और ये तो बेहोश हो गया। डॉक्टर साहब जी, इस बच्चे के सर में चोट आ गई है, जरा पट्टी बांध दीजिए। अच्छी बात। लो बेटे मेरा बेटा। चोट कैसे आई साहब? मुझे नहीं मालूम। रोते नहीं बेटे, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे। शाबाश, अच्छा बच्चा है। शाबाश शाबाश। मोहन, मेरा बच्चा कहाँ है? मोहन मोहन मोहन। सिस्टर जल्दी से इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट का इंतजाम करो। ये डॉक्टर मुनीम जी, हमें अफसोस है कि तुम्हारी मालकन ने मोहन की याद में अवसान खो दिया। क्या उन्हें कुछ याद नहीं? बिल्कुल नहीं, शायद मोहन मिल जाए तो उन्हें सब कुछ याद आ जाए। मोहन का ढूंढना बहुत जरूरी है मुनीम जी। अजी अब वो कहां से मिलेगा? मैंने सारा जंगल छाल मारा, बेचारे के कपड़े खून में लथपथ मिले थे। मालिक का बच्चा था, कपड़ों को दरिया में बहाया। हाय हाय, बेचारे को जंगली जानवरों ने खा लिया होगा। अब तो बेचारी मालकिन रह गई है, जितना रुपया पैसा धरा है मैं सब उनके इलाज में लगवा दूंगा। उन्हें घर ले जाकर जरूर अच्छा करूंगा। उन्हें घर ले जाने की जरूरत नहीं है मुनीम जी, और ना उनके रुपए पैसे को हाथ लगाने की कोई जरूरत है। मैं उनका इलाज यहीं करवाऊंगा और अगर यहाँ अच्छी नहीं हुई तो अपने घर ले जाकर बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा। आप जाइए और उनके घर की देखभाल कीजिए। बहुत अच्छा हुजूर। देखा, राधा से सगाई करने मोहन की आ रही थी बेचारी, कितने अफसोस की बात है। तकदीर के खेल कोई नहीं। चलो
और भी हल्की चलाते हो। चलो बेटा, तुम साइकिल से बहुत खेल चुके, स्कूल का वक्त हो गया है, आओ। आगे पहले चलोगे ना बापू? हाँ बेटा आओ। चलो बेटा किशन, तुम्हारा स्कूल आ गया, जाओ जाकर खूब पढ़ो। अच्छा बापू, टाटा। देखो बेटा, छुट्टी होती ही कहीं मत जाना, हाँ मैं खुद आनकर ले जाऊंगा। जाओ शाबाश। चार सवारी आपको पूरा टाइम चाहिए साहब? पूरा मन का है। इधर जाएगा तो मीटर से पहले चलो, फिर चले बोलेगा। अच्छा साहब आप बैठ जाइए। हमारा वेट करो, मैं अभी आता है। अच्छा सर। साहब तुमने बड़ी देर लगा दी, तुम कोई दूसरा तांगा ले लो, 4 बजे मुझे अपने बच्चों को स्कूल से लेना है। बच्चा? हाँ बच्चा। तुम्हारा बच्चा है? हाँ। इधर है स्कूल में? हाँ। तो हम दूसरा तांगा नहीं लेगा, तुम ऐसा करो बच्चे को बिठा लो साथ में, हमको कुछ बुरा मालूम नहीं होगा। चलो। आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ बेटा तू मुझे माफ कर दे, अब तेरा बापू कभी लेट नहीं होगा। अच्छा माफ कर दिया। टांगा वाला? हाँ। बहुत पिटी बेटा है तुम्हारा। हाँ बाबा। घबराइए नहीं साहब, मैं अभी आपका बैग उठा के लाता हूँ। ले बेटा तू ये रास संभाल, तुम राज का फिक्र मत करो, हमको दे दो, जल्दी ला हमारा बैग। बाबूजी आपसे नहीं संभलेगा। बाबूजी ठहरिए, आप क्या कर रहे हैं? बाबूजी ये तांगा तुमसे नहीं चलेगा। आप क्या कह रहे हो? ये तांगा नहीं चलेगा तुमसे। बेटा किशन कूद जा, बेटा किशन, किशन कूद जा, किशन कूद जा। किशन बेटा किशन, ओ किशन, किशन। तुम पहचान लिया मुझे? तुम्हें तो मैं कभी का पहचान चुका हूं। अगर पहचाना होता ना तो यूं न भागते मुझसे। कहां जा रहे? तुम जैसे बदमाश के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने, जो मेरा बच्चा और तांगा लेकर भाग गया। केशव, रिपोर्ट लिखवाने से बच्चा नहीं मिलेगा। तो तू है वो बदमाश? सवान को काबू में रखो केशव, और हाथ निकालो अगर बच्चे की खैरियत चाहते हो। अच्छा कहाँ है मेरा बच्चा? भगवान के लिए मुझे मेरा बच्चा दे दे।
बच्चा चाहते हो तो गाड़ी में बैठ ले। आओ बैठ। बैठो, मैं बैठने नहीं आया। मेरा बच्चा कहाँ है? भेजो। यस बॉस। इसको बच्चा दिखा दो। ये दरवाजा बगैर ताले के, इसे तोड़ना तुम्हारे बस का रोग नहीं। तोड़ने को मैं यहां हर चीज तोड़ सकता हूं, लेकिन मैं अपने बच्चे से नाता नहीं तोड़ना चाहता। भगवान के लिए मुझे मेरा बच्चा दे दो। केशव, अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो अपनी कसम तोड़नी होगी। मैं मर जाऊंगा लेकिन कसम नहीं तोड़ूंगा। ये तुम तय कर चुके हो? मैं देवी के सामने कसम खा चुका हूं। देखो केशव, तुमने देवी के सामने ताला न तोड़ने की कसम खाई, ताला तोड़ना सिखाने की कसम तो नहीं खाई ना? नहीं। ठीक है, तुम मुझे अपना हुनर सिखा दो, मैं तुम्हें बच्चा लौटा दूंगा। ये सोचने का वक्त नहीं केशव, ये मामला इसी हालत में तय हो सकता है। आओ मेरे साथ। राज बहादुर, तुम इस हुनर से बड़े आदमी नहीं बन सकते। केशव, तुम बड़े भोले हो, आज की दुनिया को नहीं जानते। मैं इसी हुनर से एक दिन तुम्हें बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। खैर, तुम मुझे मेरा बच्चा दे दो। अच्छा, भेज। केशव का बच्चा दे दो। आपकी तिजोरी नहीं टूटी है, शहर में ऐसे बहुत से कैसे हुए हैं। फिलहाल मैं आ रहा हूं।
मैं कब से उस पेड़ पे बैठा मालकौस बजा रहा हूं। मेरे मालकौस पे तो फरिश्ते भी नाच उठते, मगर अजीब बात है आपके कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। माफ कीजिएगा, मुंह पे कहूंगा तो खुशामत होगी, मगर क्या करूं, मानना पड़ता आप बड़ी कूड़ है। जब मैं आज सुबह घर से बाहर निकली जी, तो एक आदमी ने छींक मारी जी, आगे बढ़ी जी, तो बिल्ली ने रास्ता काटा, जब ही मैं समझ गई थी क्या क्या आज तमाम दिन तुम जैसे बुद्धुओं से वास्ता पड़ेगा। राधा, हम चाहें तो किसी की जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। तुम्हारे घर में तो शीशा होगा ही नहीं है, तो फिर ऐसा करो जल्दी भागो और उसमें जाके अपनी शक्ल देखो, फिर हमसे बात करना। तुम फिर मालकौस बजाने लगे जी, अब क्यों बजा रहे हैं? इसलिए कि अगर आपको इसी मालकौस पे एक दिन नचवा नहीं दिया ना, तो मेरा नाम भी कृष्ण महाराज नहीं। तुम क्या हुआ राधा, क्या बात है, आज बहुत हंसी आ रही है। मदन, आपकी सूरत देखो, मेरा दावा है कि आपकी सूरत देखकर तुम्हें भी हंसी आएगी। बंदर लगते हैं ना। हंस लो प्यारे, हंस लो, आज 6 साल से बराबर फेल होने की वजह ये हंसी है। मुझसे इस कसम का मजाक किया तो मुंह बिल्कुल टेढ़ा कर दूंगा, समझे? सच? देखो देखो, मजाक में ये सब बातें अच्छी नहीं है, चलो यहाँ से। डैडी, ये आपका इनविटेशन कार्ड। इनविटेशन? किसका इनविटेशन? कल हमारे कॉलेज का एनुअल फंक्शन है ना। ओह, यानी फिर चंदा देना पड़ेगा। जी, और बड़े आदमियों की हैसियत के मुताबिक। अगर मैं ना आ सका तो चंदे के साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। बाप से बेटी जुर्माना दिलवा रही, तो कल हाजिरी लगा दीजिए ना। देखो बेटी, कल मुझे बहुत जरूरी काम है, है? चंदा तुम ले जाना और वापसी में मैं तुम्हें वहां से ले जाऊंगा। देखिए रेडी, मिस मत कीजिएगा, बनारस के बहुत बड़े गवैये आ रहे हैं। कौन? ठाकुर लोकनाथ जी। लोकनाथ? वो तो बहुत पाए के गवैये हैं। देखो, मैं आने की जरूर कोशिश करूंगा। अखियन संग अखियां लागी आज, अखियन संग अखियां लागी आज, जुमे बार बार मेरे मन में प्यार, नित ऐसा तो मौसम आए ना, अखियन संग अखियां लागी आज, अखियन संग। मेरे मन में बसे दिन रैन मेरे नैनन में हंसे, एक प्यारी छवि, एक प्यारी छवि मेरे मन में बसे दिन रैन मेरे नैनन में हंसे, नया सपना मिला कोई अपना मिला, फिर ऐसे क्यों मेरा मन गाए ना, अखियन संग अखियां लागी आज, अखियन संग अखियां लागी आज, जुमे बार बार मेरे मन में प्यार, नित ऐसा तो मौसम आए ना, अखियन संग अखियां लागी आज, अखियन संग। सा 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 सा
मधुमाती पवन इथला के चली, जैसे नार कोई शर्मा के चली। मधुमाती पवन मधुमाती पवन इथला के चली, जैसे नार कोई शर्मा के चली। कभी रुकती हुई कभी झुकती हुई, अब आके ये सावन जाए ना। अखियन संग अखियाँ लागी आज, अखियन संग अखियाँ मम 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 गम 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 सा मरम मदा निशा निशा धनी सा निशा धा धनी सगा सगा निशगा सगा नी सगा ममा गमा धनी ससा निशा गमा गा सगा सा निशा नी धनी धा मदमा मगा 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 सा निधानी धानी दमा सा निशा निशा निधानी सा अखियन संग अखियन संग अखियन संग अखियाँ लागे। क्या कहने हैं महाराज, जैसा सुना था उससे कहीं ज्यादा पाया। खूब गाते हैं आप। धन्य हो धन्य हो। ये मेरी तरफ से स्वीकार कीजिए। स्वीकार किया। जियो जियो। वाह वाह क्या बात है, जो कोई भी हो जियो मेरे भाई। मेरा रूप धारण करके तुमने मुझसे भी अच्छा गाया। प्रिंसिपल साहब, एक ही भेष में दो आ सकते। कौन है आज तुम फिर बीच में आ सकते? अरे पापा के मैं के बच्चे, पापा तू कौन है? आदाब बजा लाता हूँ। किशन किशन तो तुमने हमें बेवकूफ बनाया। खोटी बात है, इसने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया, बल्कि इसने तो एक ऐसा राग सुनाया है जो शायद मैं भी न गा सकता। शाबाश। गलत। शाबाश। मैं ये नहीं मानता। बैठ जाओ मदन, तुम बैठ जाओ। तुम नहीं मानते तो ना मानो, हम मानते हैं। हाँ मानते हैं, हाँ मानते हैं। सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। शाबाश किशन शाबाश। महाराज आप कुर्सी दीजिए। था राजा, तुमने फूले से यह तोहफा मुझे दे दिया था, शायद मैं इसका हकदार नहीं। इसे वापस ले लो। अफसोस ना करो राजा। अफसोस तो जीवन भर रहेगा मुझे। मुझे माफ कर दो राजा। माफ तो तुम कर दो किशन, मुझे तो इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हें बहुत देर में पहचाना। मैं वाकई बड़ी कूर हूं। क्या कह रही हो राधा? पहलुए हूर में लंगूर, खुदा की कुदरत। राधा मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, घर नहीं चलना? जी नहीं। आज हंसी नहीं आ रही मिस्टर स्कूटर। अपनी जबान को लगाम लगाओ मिस्टर, और आप भी अपनी जबान संभाल लीजिए। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी। और मुझे आपसे कोई जरूरी बात नहीं करनी। अच्छा ये बात है, तो फिर मुझे कोई दूसरा ही रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। अरे भाई सुनो तो, शो खत्म हो गया क्या? जी एक शो तो खत्म हो गया, दूसरा शुरू हुआ। दूसरा शुरू हुआ जी? क्या मतलब? ये हमारा एक सेठ ज्वाला प्रसाद जी हैं। अरे मैं ही हूँ भाई। वो जी आप ही सेठ ज्वाला प्रसाद जी? जी कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या मतलब? बात आपको कहने की नहीं है जी, आप खामखा राधा पर नाराज हो जाएंगे। सुनो तो क्या बात जी, कहते हुए अजीब लगता है राधा एक मामूली तांगे वाले के साथ प्यार। जी नमस्ते।
राधा। डैडी आ गए। अच्छा आप कब मिलोगे? कल यही। डैडी चलो। क्या बात है, आज बड़े गुस्से में आए हो? आपकी बेटी की वजह से। क्यों, क्या बात है? ये बेशर्म लड़की उस कोचवान के लड़के से इस तरह घुलमिल कर बातें कर रही थी कि मैं देखकर शर्म से पानी पानी हूँ। डैडी आप गलत समझ रहे हैं। सही तो इस बुढ़ापे में तू समझाएगी ना। देखो जी, मैं इस लड़की के हाथों अपनी इज्जत नीलाम नहीं करवा सकता। कल से इसका कॉलेज जाना बंद। मगर डैडी मेरी बात तो सुनिए। मैं एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं हूँ, जो कह दिया वही होगा। क्यों री ना मुराद, क्यों ऐसे लफंगों से मिलती है? मम्मी वो लफंगा नहीं है, बड़ा ही गुनी और शरीफ लड़का है। आज उसने बड़े बड़े आदमियों को नीचा दिखाया, ऊपर से उसकी तारीफ करती है। तू चाहती है तुमसे मेलजोल बढ़ाते वो हमें भी नीचा दिखाए? जो कुछ तेरे डैडी ने किया है ठीक किया है, कल से तो कॉलेज बिल्कुल नहीं जा सकती। मम्मी शांति, तुमसे एक मरीजा नहीं समझती, नर्स कहां मर गई? कितने नौकर है घर में, अगर इनका हाथ पैर टूट गया तो कौन जिम्मेदार होगा? ले जाओ इन्हें अंदर। ओ, मैंने छुपाई लाख मोहब्बत न छुप सकी, आंखों ने रो के प्यार का इजहार कर दिया। और अपनी खबर न दिल की न जाने अजीज की, कितना किसी के ख्याल में डूबा हुआ हूं मैं। क्या बात है मदन, आप लोग मेरा क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? मजाक नहीं उड़ा रहे प्यारे, सिर्फ अपने आशियाने से उल्लू उड़ा रहे। उल्लू? अगर उल्लू नहीं उड़ाएंगे ना तो हमारा आशियाना खत्म हो जाएगा। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते हो मदन? तुम साफ साफ सुनना चाहते हो तो सुनो। तुमने अपनी मोहब्बत का घोंसला मेरी मोहब्बत के किले पर बनाना शुरू कर दिया। ये बात है? जी हाँ। अब मेहरबानी करके अपना कदम सोच समझ कर उठाना, वरना। मैडम ये चेक है 500 रुपए का। थैंक यू। देखिए राधा कहाँ है? कल उसका प्रोग्राम है, हमें रिहर्सल करवाना है। राधा नहीं आएगी। क्यों? मैंने उसका कॉलेज जाना बंद कर दिया। किस लिए? मुझे उसे आगे नहीं पढ़ाना है। राधा आपकी औलाद, आपकी मर्जी, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कल के दिन राधा को जरूर भेजिए, नहीं तो कॉलेज की बदनामी हो जाएगी। क्यों? आप किसी और लड़की का प्रोग्राम रख लीजिए। हम राधा का नाम अनाउंस कर चुके। अच्छा, मैं खुद उसे लेकर आऊंगा। तुम लोग शहर के हर रईस के घर पर CID बिठा दो, फिर हम देखते हैं कि वो बचकर कैसे जाता है। वेरी वेल, वेरी वेल सर। बॉस ये लीजिए रुपए, ये माधोपुर का माल कैश हुआ है। वेरी गुड। देखो इसके जितने हीरे हैं ना, सब अलग अलग निकाल दो, साथ में मत बेचना। बहुत अच्छा। और ये है अलवर की तिजोरियों का माल। यह है उदयपुर की तिजोरियों का माल। कैश हो जाएगा, मगर एक बात का ख्याल रखना कि दाम बढ़कर कर बताना, ताकि किसी को शक ना हो कि चोरी का माल है। आप बेफिक्र रहें उस्ताद, आप ही के तो शागिर्द हैं। काम से लगो। कौन है, कौन है, बाहर निकलो। ये तो मैं हूं। अरे तुम चोरों की तरह छुप के यहां क्या कर रहे हो? आपकी बिजनेस को समझने की कोशिश कर रहा। कुछ समझ में आया? बहुत कुछ। तो भाई फिर तालीम में अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो? आकर चचा का काम संभाल लो। मैंने भी एक मिलता जुलता धंधा शुरू कर दिया अंक। कहाँ? जयपुर में, सेठ ज्वाला प्रसाद के। भाई वाह, क्या कहने हैं ज्वाला प्रसाद के। जब मुझे उसकी कलेक्शन याद आती है उन हीरों की, तो दिमाग चकरा जाता है। मेरी नजर भी एक हीरे पर है अंकल, अगर वो हाथ में आ जाए
तो सेठ जी का सारा कलेक्शन आपके कदमों में यूं आके लौटेगा। अरे वाह, मगर यार कुछ समझ में नहीं आती बात, या तो कुछ दिमाग मेरा मोटा है या बात मोटी है, खुल के बयान करो। अंकल बताते हुए शर्म आती है कि वो हीरा सेठ ज्वाला प्रसाद की लड़की राधा है। तो इसका मतलब है कि तुमने उसे अपने जाल में फंसा लिया? तकरीबन फंसा लिया अंकल, मगर एक लोफर नुमा लंगूर बीच में आ गया है। कौन है वो? एक तांगे वाले का लड़का। मगर एक बात मैं बताऊं तुम्हें कि मैं कभी इस बात का यकीन नहीं कर सकता कि ज्वाला प्रसाद जैसा आदमी और वो अपनी लड़की की शादी एक टांगे वाले के लड़के से करेगा। हरगिज़ नहीं। उसने कुछ जादू कर दिया अंकल। बिल्कुल नहीं, अगर वो शादी करेगा तो एक जौहरी के भतीजे से करेगा। अंकल आप जौहरी? 100 जौहरियों का एक जौहरी। वाह अंकल, अंकल आपका जवाब नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो राधा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। मेरे चाचा जी से मिलिए, राज बहादुर जी जौहरी, सेठ ज्वाला प्रसाद जी। नमस्ते। नमस्ते जी, मेरी बेटी। नमस्ते। अच्छा दादी आप बैठे, मैं जाती। जाओ बेटी। ड्रामे की हीरोइन है बशीर रखी ज्वाला प्रसाद जी। मुझे भी आपसे बहुत दिनों से मिलने की इच्छा थी। मेरा भी बॉम्बे में बहुत बड़ा कारोबार साराभाई ज्वेलर के नाम से चलता है। बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात तो जब होती ज्वाला प्रसाद जी कि आप मुझे अपने घर ले जाते और अपने जवाहरात की चमक बताते। मैंने आपके कलेक्शन की बड़ी तारीफ सुनी। कभी भी तशरीफ ले आइए। कभी नहीं, मेरा ये कॉल है ज्वाला प्रसाद जी कि जो काम कल करना हो उसे आज करो और जिसे आज करना हो उसे अभी करो। मुझे भी तारीफ का मौका दीजिए ना। चले, बच्ची का प्रोग्राम खत्म हो जाए फिर चलते हैं। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। आज के प्रोग्राम की पहली आइटम शुरू हो रही है और हमारे कॉलेज की हर दिल अजीज मिस राधा आपको विलंबत का ख्याल सुनाएंगी। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, इस प्रोग्राम में मुझे अचानक आना पड़ा इसलिए विलंबत का ख्याल तो नहीं सुना सकूंगी। हाँ अपना ख्याल जरूर सुनाऊंगी। नाम लेते हैं हमें ये दुनिया वाले।
याद नहीं क्या कसम कर दिया। क्यों भोलेनाथ क्या समझे? काहे के बारे में? ये जो राधा ने बिलंपत का ख्याल छोड़कर अपना ख्याल सुनाया ना, उसके बारे में। नहीं दीपक, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, कुछ समझ में नहीं आया? मैं समझाता हूँ। राधा मिलने से मजबूर है, मगर वो मिलना चाहती है। तो यहाँ किसने मना किया? जब चाहे मिल ले, आ जाए भी तो डैडी के साथ। बुद्धू हैं आप, निरे बुद्धू। वो डैडी के साथ नहीं आई, डैडी उसके साथ चले आए। एक बात बताऊं? कहो। उसके घर जाके मिल लो ना। घर कैसे जाऊं दीपक? अमा सर पे कफन बांध के चले जाओ। सुना नहीं? प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। अमा हाँ, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। शहर में एक ही तिजोरी है, स्पेशल डिजाइन से बनवाई है। ये देखिए, ये है वो तिजोरी और ये है इसके नंबर। वाकई ज्वाला प्रसाद जी, कुछ समझ में नहीं आया। इजाजत हो तो सर ट्राई करूं? जरूर जरूर। लेकिन आप बेकार कोशिश कर रहे हैं। आपको तो नंबरों का पता भी नहीं है, और मैं नंबर जानते हुए भी वक्त से पहले इसे नहीं खोलता। समझे साहबजादी? ये टाइम लॉक है। वंडरफुल, क्या जमाने ने तरक्की की है। आपने ये चीज यहीं बनवाई अंकल? जी नहीं, ये विलायत वालों ने बनाई है और वहीं से इंजीनियर बुलवाया था। तभी ज्वाला प्रसाद जी, हीरे तो हम जरूर देखेंगे, चाहे हमें इनके लिए 10 दफा आना पड़े। अच्छा, अभी जाग दीजिए। अच्छा जी, नमस्ते। देखिए, फिर आइएगा जरूर। हाँ ज्वाला प्रसाद जी, अब तो आना ही पड़ेगा। आदाब। अच्छा अंकल जी, तरह बेटा जी। कुछ शर्मा के कुछ घबरा के, हम तेरी नजर ने है लूटा, कुछ शर्मा के कुछ घबरा के। कहीं हमें दगा तो नहीं दोगे, अपना बना के दिल में समा के। कहीं हमें दगा तो नहीं दोगे, अपना बना के दिल में समा के। हम जानते हैं ये
छुपती है कहीं। देखो मेरा जिया ना तड़पाओ, दिल को चुरा के प्यार जता के। हमें तेरी नजर ने है लूटा, कुछ शर्मा के कुछ घबरा के। मस्तियाँ हैं शोखियाँ हैं, जिस तरफ उठती है नजर। मस्तियाँ हैं शोखियाँ हैं, जिस तरफ उठती है नजर। फिर उसी तरह मुस्का दो, कुछ इतरा के कुछ बल खा के। कहीं हमें दगा तो नहीं दोगे, अपना बना के दिल में समा के। प्यार हमारा जलने वाले जलते रहे। जल जाना कहीं ना मेरे साजन, अखियों में आके सपने सजा के। हमें तेरी नजर ने है लूटा, कुछ शर्मा के कुछ घबरा के। कहीं हमें दगा तो नहीं दोगे, अपना बना के दिल में समा के। किशन, हाँ बापू, आज तू इतना डर डर के क्यों जा रहा है? क्या तूने कोई डरावना सपना देखा है? नहीं बापू, मैंने तो कोई सपना नहीं देखा। तो फिर मैंने देखा है सपना। क्या देखा है बापू? मैंने देखा एक खूबसूरत लड़की तेरे कंधे पे सर रख के सो रही है और तू ताना चला रहा है। छोड़िए बापू, सपने सच्चे थोड़ी होते। क्या ये झूठा है? हाँ बापू, बिल्कुल झूठा। मगर तू तो झूठा नहीं है ना? नहीं बापू। तो बता, वो लड़की कौन थी जिसे मैं सपना बताकर पूछ रहा था? मैंने उसे अपनी आंखों से तेरे साथ देखा है। किशन, बता दे बेटा, मुझसे छुपा मत। वो राधा है बापू, सेठ ज्वाला प्रसाद जौहरी की बेटी। सेठ ज्वाला प्रसाद जौहरी? वो तो बहुत बड़े आदमी है। हाँ, और तू कौन है? मैं तो एक टांगे वाले का बेटा हूँ। बेटा, तू पढ़ा लिखा है, उनकी इज्जत और अपनी हैसियत को पहचान। बापू, तेरा और राधा का मेल नहीं हो सकता बेटा। लेकिन बापू, अगर तुझे अपने बापू का जरा भी ख्याल है तो आइंदा उससे कभी नहीं मिलियो। स्कूटर, आजकल स्कूटर सोना चल रहा है। बात क्या है प्यारे लाल, राधा की सवारी में काम नहीं आ रहा है क्या? आपको शायद मालूम नहीं, राधा ने कॉलेज छोड़ दिया। अच्छा, और वो मियां, वो बैंजो मास्टर भी गोल है, वो तांगा चलाता होगा यार के? और मेरे ख्याल में कहीं मुलाकातें होती होंगी। यारों से कोई जगह छुपी नहीं है, देख लेंगे किसी को। देख लेंगे, अभी दिखाई नहीं देता। देख, अपने चाचा से कोई बात नहीं छुपाना। हाँ, वरना राहुल के चक्कर में आ जाएगा। जल्दी से बता। किसी से नहीं चाचा। झूठ बोलना महापाप है और मोहब्बत करना कोई पाप नहीं। अरे ये तो नसीब की बात है कि तुझे शादी से पहले मोहब्बत हो गई। यहाँ शादी के वर्षों बीत गए मगर आज दिन तक मोहब्बत की शक्ल भी नहीं देखी।
अच्छा बेटा ये तो बता कि तू जिससे मोहब्बत करता है वो भी तुझसे मोहब्बत करती है क्या? हाँ चाचा। कौन है वो? ज्वाला प्रसाद चौधरी की बेटी राधा। राधा, कितना सुंदर नाम है, राधा किशन। राधा किशन, ओहो हो, ये मेल तो पृथ्वी और आकाश के मेल से भी पुराना मेल है, इसे कौन तोड़ सकता है? मगर बापू मना करते ना चाचा। बड़ी भूल करते हैं वो। मगर बेटा तू इतनी छोटी सी बात पे आगे बढ़ने लगा, जा तू अपना दिल छोटा ना कर, तेरा चाचा सब कुछ संभाल लेगा। मगर बापू। अरे बापू का तो मैं समझा दूंगा, सच चाचा, नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ, अब तू क्या मुझसे स्टाम्प लिखवाएगा? जा जा। घबराहट क्यों है? तुम्हें नहीं मालूम किशन कहाँ जा रहा है? मुझे मालूम है। तुम्हें मालूम होता तो तुम मुझे इस तरह न रोकते। मुझे इतनी समझ है केशव के किशन कहाँ जा रहा है, मगर मेरी ये समझ में नहीं आता कि तुम इतने परेशान क्यों हो। मुझे उसकी जान का डर है। इसका मतलब यह है कि तुम किशन को बेहद प्यार करते हो। हाँ, मैं किशन को अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ। मगर किशन राधा को अपनी जान से ज्यादा चाहता है। राधा एक बड़े घर की लड़की है, डर मुझे इस बात का है कहीं वो लोग किशन का दिल न तोड़ दें। तो क्या तुम्हारे रोकने से उसका दिल नहीं टूटेगा? केशव, ये सब नसीब की बात है, शायद किशन का नसीब इतना बड़ा हो। तुलसी जी तो मेरा भी चाहता है किशन के लिए बहू मैं ब्याह कर लाऊं। क्यों भतीजे, बहुत परेशान मालूम होते हो, क्या बात? ज्वाला प्रसाद की तिजोरी का नंबर समझ में नहीं आया क्या? कोशिश ही नहीं की। क्यों, क्या बताऊं अंकल, वो राधा की दोस्ती उस तांगे वाले के लड़के के साथ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आपके भतीजे की हार हो रही है। पर खुरदार, तिजोरी का नंबर ला दो, मैं तुम्हारी हार जीत में बदल दूंगा। भतीजे के साथ सौदा करते हैं? बरखुरदार दुनिया सौदा करती है, भाई भाई के साथ, बेटा बाप के साथ और बाप बेटे के साथ। आप मेरी हार को जीत में बदल दीजिए, उसकी कीमत मैं नंबर देके चुका दूंगा। मुझे मंजूर है, हाथ मिलाओ, वादा पक्का? पक्का। नमस्ते नमस्ते ज्वाला प्रसाद जी, नमस्ते। नमस्ते राधा जी, नमस्ते। न जाने ज्वाला प्रसाद जी आपसे दिन पर दिन प्यार क्यों बढ़ता चला जा रहा है, हैं? दिल चाहता है कि दुनिया भर के सारे रिश्ते आपसे जोड़ लूं। हुजूर, दिल को दिल से राह होती। अरे साहब, ये राह ढूंढते ढूंढते तो इस बच्चे पे नजर पड़ गई, सोचा कि आपका मेरा सबसे अच्छा संबंध का जरिया ये हो सकता है। मदन जाओ बेटे, राधा से बातें कर लो जाकर। हाँ हाँ जाओ, शर्माते क्यों हो, कॉलेज के साथी हो। अरे आप तशरीफ रखिए। ज्वाला प्रसाद जी, अभी तक आपने अपनी बच्ची का रिश्ता तो कहीं पर तय नहीं किया है। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। माधव प्रसाद जी मेरे एक दोस्त थे, उनके लड़के से इरादा था, अब तो आप मुझे अपना दोस्त समझ लीजिए। अरे अब तो आप हमारे इकलौते दोस्त हैं, वो और उनका लड़का तो भगवान के प्यारे हो गए। राम राम राम। ज्वाला प्रसाद जी, यहां आके इंसान को तकदीर का कायल होना पड़ता है। मैंने अनजाने में बीसियों रिश्ते मदन के छोड़ दिए और ये नहीं सोचा था कि तकदीर यहां है। बताइए क्या इरादा है? लड़की को किसने घर में बिठा के रखा? शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में इसी ख्याल से फिर आ गया हूं मैं। जबान के पक्कों से उलझ गई थी मिस राधा, हम हाजिर हैं। भाई हमारा तो मुलायम दिल है राधा, पुराना सब दरगुजर करो और आइंदा के। और आइंदा भी मेरा आपसे कोई संबंध नहीं। अब मेरा और आपका संबंध पक्का, आप मेरी तरफ से मुतमईन रहिए। और ज्वाला प्रसाद जी, मदन की तरफ से भी मुझे मुतमईन कर दीजिए। मदन मेरा बेटा है। Mohan
ज्यादा नहीं बापू, मेरे टांगे के नीचे आ गई। टांगा देख के नहीं चला रहा था तू? बापू मैं तो टांगा देख कर ही चला रहा था, मगर ये पागलों की तरह सामने आ गई और एक्सीडेंट हो गया। बेचारे की बहुत बुरी हालत है, जा तू डॉक्टर का बंदोबस्त कर। चल डॉक्टर साहब। हाँ? इसी तरह मोहन मोहन चिल्लाते हुए टांगे के सामने आ गई, मैंने बचाने की बहुत कोशिश की। मेरे ख्याल में मोहन नाम का कोई करीबी अजीज इनसे बिछड़ गया, इसीलिए शायद दिमाग खो बैठी है। मगर डॉक्टर साहब इनका कोई इलाज है? बेस्ट इलाज तो मोहन ही है, लेकिन अभी तो इनका ही कुछ पता नहीं, मोहन के बारे में क्या कहा जा सकता है। डॉक्टर साहब मेरा बस चलता तो मैं मोहन को कहीं से भी ले आता। जी हाँ, खैर फिलहाल आप इनके लिए दवाएं मंगवा लीजिए और अगर मेरी जरूरत पड़े तो बुला लीजिएगा। आपकी बड़ी इनायत डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, लीजो बेटा, जरा लगे हाथों ये ले आ। हेलो स्पीकिंग। हेलो, मैं मुनीम बोल रहा हूँ। कौन मुनीम जी? मैं ज्वाला प्रसाद बोल रहा हूँ। भाभी जी पागलपन के दौरे में कल से निकल गई हैं यहाँ से। क्या कहा, घर से निकल गई है? हम लोग बहुत परेशान हैं, कहीं वहाँ तो नहीं पहुँची? नहीं, अभी तक तो यहाँ नहीं आई है। देखो मुनीम जी, अगर उनका पता लग जाए तो हमें फौरन फोन करना। मोहन, 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 कहाँ जा रही हो माँ? माँ, मेरा मोहन कहाँ है? मोहन, मिल जाएगा तुम्हारा मोहन, चलो तुम आराम कर लो। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा कीजिए, मोहन, ये दवा आप किसी केमिस्ट के यहाँ से जल्दी से मंगवा लीजिएगा। मोहन, लीजिए। मैं अभी लाया डॉक्टर साहब। ला बेटा ये मुझे दे, मैं इनकी दवाएं लेके आता हूँ, तू यहाँ बैठ और जरा इनकी तीमारदारी कर। मेरे टांगे से टक्कर हो गई थी ना? टांगे से नहीं, टक्कर तो गाड़ी की हुई थी। मोहन के पिता चले गए, हमेशा के लिए चले गए, लेकिन मोहन, मोहन कहां गया? मेरा मोहन कहां गया? मेरा मोहन कहां गया? किशन, मेरे ख्याल से बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे, इनकी याददाश्त वापस आ गई है, इन्हें आराम करने दीजिए।
डॉक्टर साहब क्या बात है? बापू माँ कुछ ठीक हो रही है, आप लोग बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। और ये दवाएं? अब इनकी जरूरत नहीं। हाँ? जी तो नहीं चाहता तुम्हें छोड़कर, मगर घर जाना जरूरी है। कभी कुछ तो अपनी मुंह बोली माँ के पास हूँ। जरूर आऊंगा माँ जी। चलिए बहन जी, गाड़ी चलने वाली है, जल्दी करिए। नमस्ते माँ जी। तुलसी भैया कहाँ जा रहे हो? केशव भैया प्रयागराज जा रहा था, मगर गाड़ी छूट गई। तुम तो जानते हो कि लोगों ने मेरे ज्योतिष को पहचान लिया है, अब दक्षिणा में चांदी के सिक्कों के बजाय पुराने जूते पड़ते हैं। भैया मैं अब प्रयागराज जाकर कुछ ज्योतिष सीख कर ही वापस आऊँगा। तुम्हारा बड़ा अच्छा ख्याल है, चलो मैं तुम्हें दूसरी ट्रेन से छोड़ कर ही जाऊँगा। इस जगह बिस्तरा लगा लो, किशन तुम बेटे घर जाओ। हाँ बेटा तू घर चला जा। लो भैया बैठ जाओ। सेठ जी अंगूठी तो अच्छी है मगर नगीना खोटा है। वाह वाह भाई वाह, खूब। आखिर जौहरी के बेटे हो ना। आपका शागिर्द हूं सेठ जी। राधा भी जौहरी के खानदान से है, उसे भी खरे खोटे की पहचान तो होगी। क्यों नहीं क्यों नहीं बेटा, जब तुम पहचान सकते हो तो जरूर पहचान। माफ करना सेठ जी, आपकी राधा को हीरे की पहचान है मगर आदमी की नहीं। ये देखो देखो इस हीरे को पहचानो, बहुत ही नायाब चीज है। जो चीज अपने घर में हो वो भी नायाब होती है क्या? किशन मिस्टर स्कूटर अंदर बैठा हुआ है। हा? चलो चले चलो। अरे आज तुम टांगा नहीं लाए? टांगा तो बापू के पास है। अच्छा चलो स्कूटर लेते हैं। चलिए होगा न मदन पीछा करेगा। वो शायद मेरा स्कूटर लेकर भाग रहे हैं। कौन? आपकी राधा और किशन। ये कैसे हो मदन? आपने बेंजो और स्कूटर की आवाज नहीं सुनी? स्कूटर की आवाज? हाँ मगर राधा तो अपने कमरे में थी, मगर अब नहीं है। आपको यकीन नहीं हो तो चलकर देख लीजिए। क्या कहते हो मदन? आइए अपनी आंखों से देख लीजिए। राधा राधा जरा संभालिए अदाएं आपकी, के मेरे हाथ से दिल मेरा जाने लगा। जरा संभालिए अदाएं आपकी, के मेरे हाथ से दिल मेरा जाने लगा। ना ऐसे रोकिए निगाहें प्यार की, के जिंदगी में अब कुछ नशा आने लगा। ना ऐसे रोकिए निगाहें प्यार की। मुस्कुराती रहे खिली खिली चांदनी जगमगाती रहे, हर घड़ी प्यार की मुस्कुराती रहे। सुहानी चांदनी में दिल कहीं खो जाए ना। जरा संभालिए अदाएं आपकी, के मेरे हाथ से दिल मेरा जाने लगा। ना ऐसे रोकिए निगाहें प्यार की।
पास है बहक बहके कदम। कैसी मंजिल है ये, किस जहां में है हम। रुकी रुकी सांस है बहक बहके कदम। कैसी मंजिल है ये, किस जहां में है हम। वो कौन है जो सनम आज तेरा हो जाए ना। ना ऐसे रोकी निगाहें प्यार की, कि जिंदगी में अब कुछ नशा आने लगा। जरा संभालिए अदाएं आपकी। नजरें झुकाते हुए चलो चले प्यार को हम बढ़ाते हुए। सारी दुनिया की नजरें झुकाते हुए तेरे बाहर पिया तो हमें चैन आए ना। जरा संभालिए अदाएं आपकी, के मेरे हाथ से दिल मेरा जाने लगा। ना ऐसे रोकिए निगाहें प्यार की, कि जिंदगी में अब कुछ नशा आने लगा। जरा संभालिए अदाएं आपकी। अभी तक नहीं आया, भगवान बुरी घड़ी से बचाए। कहाँ जा रहे हो? मैं जरा इससे दो दो बातें करूं। तुम तो गुस्से में हर बात ऊंधी करते हो। पानी सर से ऊंचा हो चुका है। तो फिर मैं पानी में डूब मरूं? ये मैं कहाँ कह रही हूँ। तो फिर क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ जवान लड़की है, हर वक्त गुस्से होना ठीक नहीं। हाय किशन, किशन हाय खून, किसने ये हालत बनाई है तेरी? कहाँ गया था तू? मैं... बोल, मैं उसका खून पी जाऊंगा। मैं अबे राधा से मिलने गया था। मदन 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 भाभी, ओ भाभी क्या हुआ इसे? क्या किसी गाड़ी से टक्कर हो गई है क्या? गरीबी की अमीरी से टक्कर हो गई, गरीबी घायल हो गई, मगर अब अमीरी को घायल होना पड़ेगा। भाभी तू इसका ख्याल कर, मैं अभी आता हूं। बापू ना जाओ बापू। मदन कहां है मेरे बच्चे पर हाथ उठाने वाला? कौन? मैं देखता हूं। मदन सेठ कहां हूं, सामने आओ। हाँ सामने है। तो तू है मदन? हाँ हाँ मैं हूँ मदन, चिल्ला क्यों रहा है? जलील जबान को काबू में रख। जैसे तूने अपने हाथों को काबू में रखा था। बचाओ बचाओ बचाओ। पुलिस, मेरे घर में गुंडा घुसाया है।
मैं ज्वाला प्रसाद जौहरी बोल रहा हूँ, जल्दी आओ। जय सिंह, अजय सिंह, राम सिंह, तो तुम हो सेठ ज्वाला प्रसाद। दौलत के नशे में तुमने ये भी नहीं सोचा कि किशन लावारिस नहीं है। तुम्हारे पास दौलत की ताकत है, चार छह गुंडे खरीद कर हम पर हाथ उठा सकते हो, मगर हम भी लंगड़े और अपाज नहीं। तमीज, बड़े आदमियों से बात करना सीखो। तुम बड़े आदमी हो। आदमी बड़ा तिजोरियों से नहीं होता। तो तुम क्या समझते हो, कब से बड़ा आदमी होता है? अपनी इंसानियत से होता है। तुमने मेरे बेटे को पिटवा कर अपने जानवर होने का सबूत दिया है। खामोश बदमाश। जय सिंह, अजय सिंह, देखते क्या हो? खबरदार, कोई अपनी जगह से मत हिलना। तुम भी गरीब हो, अगर मैंने किसी की हड्डी पसली तोड़ दी तो यह सेठ इलाज के लिए भी नहीं पूछेगा। सेठ, गाली वापस लो, वरना वरना इस ऊंचे घर में जहां तुम्हारी आवाज गरज रही है मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा। गला घोट देगा? तेरी इतनी हिम्मत देखना चाहते हो? बच्चा, यही है वो गुंडा। गुंडा मैं हूं या तू? ये तो अदालत में मालूम होगा। ले चलो इसे। तुमने पुलिस में जाने के बदले कानून अपने हाथ में ले लिया, तुम मुजरिम हो। 300 रुपए जुर्माना या 3 हफ्ता कैद। मैं अमीर होता तो शायद ये जुर्माना भी ना देना पड़ता। मेरे पास जुर्माना भरने के लिए 300 रुपए नहीं है। ले जाओ इसे। मालकन, आप आ गई। हरी, तुम हरी हो ना? हाँ मालकिन, मैं हरी हूँ। मुनीम जी कहाँ हैं? मुनीम जी तो आसमानों पे हैं मालकिन। लो ये पाउडर मल लो और अपने काले काले मुखड़े को तो चमका लो। मालकिन, मालकिन को मुर्दा समझकर गुजरे उड़ाए जा रहे हैं। नहीं नहीं मालकिन, मैं तो आपका पुराना नमक हलाल। नमक हलाल तुम्हारे बाप दादा थे, तुम नमक हराम हो मुनीम जी, निकल जाओ मेरे घर से। मगर मालकिन मैं, तुम कुछ नहीं, मैं जो कहती हूँ वो करो, वरना भी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, नहीं तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। क्षमा कर दो, मैं तो आपका एक अदना नौकर, ये पैसा अच्छा अच्छों का दिमाग बिगाड़ देता है। क्षमा कर दो, मैं जिंदगी भर ऐसा नहीं करूंगा। क्षमा कर दो। क्षमा मांगते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी रंगरलियों में मस्त रहे। कभी मेरे मोहन को भी ढूंढा तुमने? मेरे मुंह में खा, वो तो कब का मर चुका है मालकिन। वो जिंदा है, मेरा दिल गवाही देता है, मैंने अपनी आंखों से उसे जिंदा देखा था। ममता अंधी होती है मालकिन, अब सब्र कर लो। नहीं, अगर वो जिंदा ना होता तो मेरी ममता ने तड़प तड़प कर सब्र कर लिया होता। मेरे दिल की तड़पन कहती है वो जिंदा है। मुनीम जी, आप अखबारों में दे दो, जो भी मेरे मोहन को तलाश कर लाएगा मैं उसे 25,000 रुपया इनाम दूंगी। मगर मालकिन, मैं जो कहती हूँ वो करो जी। अखबारों में दे दो उसका फोटो और उसके कपड़ों का हुलिया जो उसने उस वक्त पहने थे, सब कुछ दे दो। समझा जा सकते हो, तुम्हारी छुट्टी। किसने भरा मेरा जुर्माना? ये दरोगा जी से पूछिए, मुझे नहीं। किशन बापू, तुमने भरा जुर्माना? हाँ बापू। कहां से भरा जुर्माना? तेरे तो बड़े जोर का बुखार है। अरे तुझसे किसने यहाँ आने को कहा? ये बेहोश आया है क्या? भाभी, तुमने ऐसी हालत में इसे घर से बाहर क्यों जाने दिया? मैंने तो भैया इसे बहुत रोका लेकिन इसने मेरी एक नहीं मानी। अच्छा, जरा सा गर्म पानी तो करके लाइए। किशन, ओ किशन, किशन, भाभी, भाभी तुम्हें मालूम है जुर्माने के रुपए कहां से आए? है घोड़ा? ये घोड़ा कहां है? बापू, मैंने घोड़ा बेच दिया। बापू, तूने घोड़ा बेच दिया? हाँ बापू, घोड़ा तुम्हारी इज्जत से ज्यादा नहीं था। मैं अच्छा होता तो घोड़ा नहीं बेचता, अपने आप को बेचकर जुर्माना भर देता। किशन, मेरा बेटा,
जल्दी से आ, विद्या तो उतार, सरस्वती के बोझ से दबा जा रहा हूँ। लक्ष्मी से क्या बैर है तुम्हें? अरे लक्ष्मी तो तू है मेरी। अरे तू तो मेरी सारी मेहनत पर पानी बहा देती है, पता नहीं तुझसे कब छुटकारा हो जाएगा। अरे कशो भैया, जयराम जी की, जयराम जी की। अरे ये किशन को क्या हुआ? बहुत बुरी तरह जख्मी मालूम होता है। ये बड़े आदमियों से प्यार का फल है, इसी दिन के लिए मैं मना करता, मगर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। फिक्र मत करो केशव भैया, अब मैं पक्का ज्योतिषी बनकर आया हूँ। ज्योतिषी की सारी किताबें घोल कर पी गया हूँ। मैं किशन के हाथ की रेखाएं देखकर बताऊंगा कि मोहब्बत का ऊंट किस करवट बैठता है। हाथ की रेखाएं देखने के बजाय अच्छा होगा कि इसे किसी डॉक्टर को दिखा दो। बहुत अच्छा, अभी लाए। काफी कमजोर हो गया है और कमजोरी की वजह से बुखार आने लगा है, ये अच्छा नहीं है। डॉक्टर साहब आप इसे जल्दी से ठीक कर दीजिए। इसके इलाज में काफी रुपया खर्चा होगा, अच्छा है किसी हॉस्पिटल में इसे दाखिल कर दो। अस्पताल? नहीं नहीं, मैं किसी अस्पताल। केशव, डॉक्टर साहब का कहना मान जा। नहीं नहीं, मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगा, मैं इसका यहीं रखकर इलाज करूंगा। आप मुझे दवाएं लिख दीजिए। अच्छा साहब, जरा ये दवाएं जल्दी से दे दो। कितने पैसे की हैं? 50 रुपए। 55 नहीं पैसे। 50? मेरे पास तो इतने रुपए नहीं। तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? मेरा बच्चा बीमार है, मैं वायदा करता हूँ खून पसीना एक करके चुका दूंगा। आई एम सॉरी, मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद गरीब आदमी हूँ। अच्छा तो फिर आप ये रुपए लीजिए, मैं बाकी अभी लेकर आता हूँ। तुलसी, मुझे दवाओं के लिए 50-60 रुपए की जरूरत है और मेरे पास 10-12 रुपए। मैं तो सरस्वती लेकर आया हूँ और लक्ष्मी तो दूरबीन लगाकर भी देखता हूँ तो भी नजर नहीं आती। सब नसीब की बात है, इसीलिए डॉक्टरों ने कहा था कि किशन को हॉस्पिटल में। अस्पताल? नहीं नहीं, मैं किशन को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकता। तो फिर क्या करोगे? वैसे ही उसके गिरे भारी है और डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। कुछ भी हो, मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा, मैं अपने आप को बेच डालूंगा। केशव भैया, बात तो सुनो। केशव भैया, मर्द वही है दुनिया में जो ले हिम्मत से काम, तेरी ही मुट्ठी में है किस्मत है जिसका नाम, जो अपने सहारे चले वही है बड़ा आदमी, जो अपने सहारे चले वही है बड़ा आदमी, जो गम के साए में पले वही है बड़ा आदमी, वही है बड़ा आदमी। है जिसमें दम उसे भला जमाना क्या मिटाएगा, कदम बढ़ा फलक भी तेरे आगे सर झुकाएगा, जो मौत से भी ना डरे वही है बड़ा आदमी, जो अपने सहारे चले वही है बड़ा आदमी, वही है बड़ा आदमी। दिल वही जो और किसी का भी गम उठा सके, मिटा के खुद कभी किसी की जिंदगी बचा सके, किसी का जो भला करे वही है बड़ा आदमी, जो अपने सहारे चले वही है बड़ा आदमी, वही है बड़ा आदमी। दरवाजे को सुनो तो, इसमें बच्ची का हुनिया भी दिया हुआ है कपड़ों का। अरे छोड़ो, तुम्हारा दिमाग खराब है।
अरे बेटा तुम किसके बच्चे हो? मम्मी के कहाँ है तुम्हारी मम्मी? अरे भाई ये किसका बच्चा है? ये किसका बच्चा है? नहीं नहीं ये मेरा बच्चा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। मैं किसी को नहीं दूंगा। किशन मेरा, किशन मेरा, मैं किसी को नहीं दूंगा। बापू साइकिल ले जाऊंगे? हाँ बेटे हाँ, साइकिल ले दूंगा। हाँ बेटे हाँ। नहीं किशन को कोई मुझसे नहीं ले सकता। किशन को मैंने बड़े प्यार से पाला है, किशन को मैंने बड़े प्यार से पाला है। किशन को कोई मुझसे नहीं ले सकता। मुझे किशन को अपने पास रखने से कोई नहीं रोक सकता। केशव भैया रोको इसे, सितारे कहते हैं कि ये बेंजो नहीं बजाएगा। सितारे कुछ भी कहें, जो ये चाहेगा वही होगा। मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। सितारों के खिलाफ? अरे दुनिया के खिलाफ। केशव किशन अभी बच्चा है, इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर लोगे, मगर जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसकी हर ख्वाहिश पूरी करना मुश्किल हो जाएगी। कुछ मुश्किल नहीं होगा, मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ करूंगा। मैं किशन को अपनी जान से ज्यादा चाहता। मगर किशन राधा को अपनी जान से ज्यादा चाहता। राधा एक बड़े घर की लड़की, मगर किशन भी तो बड़े घर का लड़का। मैं अपने कलेजे पर कैसे पत्थर रख लूं? 15-16 साल के अरमानों का खून कैसे कर दूं? उसे न खोकर उसकी किस्मत कैसे बदल दूं? तुम चाहो तो हम लोगों की किस्मत बदल सकते हो। साहब देवी मुझे माफ कर दो, मेरे से भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मेरी आत्मा भटक गई। मैंने तुम्हें वचन दिया है देवी, मुझे किशन की मोहब्बत। किशन, किशन, मेरे ख्याल में तो ये बजाने का वक्त नहीं है मास्टर। चलो किसको आया सर, अब यहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया मदन। लेकिन मैं तुम्हें दूंगा, दूसरे भिखारियों को देने से तो अच्छा है कि तुम्हारे पल्ले भी कुछ पड़ जाए। जबान संभाल कर बात करो मदन। गुस्सा ना करो, मेरी बात तो पूरी सुनो मेरी जान। देखो राधा के साथ मेरी शादी होने वाली, बारात में बाजे वालों के साथ तुम भी अपना ये टुनटुना लेकर आ जाना, तुम्हारी किस्मत में जो कुछ लिखा है उससे कुछ ज्यादा ही मिल जाएगा। ये जन्म तो क्या मदन, 100 जन्म लोगे ना तो भी राधा शादी नहीं होने वाली। ये तो वक्त ही बताएगा। अब तुम ठंडे ठंडे यहां से जाओ, राधा तुमसे कभी नहीं मिलने की। राधा मुझसे मिलेगी, राधा के मिले बगैर मैं यहां से जाऊंगा नहीं। बड़े ढीठ हो। अच्छी बात, मैं तुम्हारे लिए दूसरा इंतजाम कर देता। गया? जी नहीं, और कहता है मैं राधा से मिले बगैर जाऊंगा भी नहीं। वो हम लोगों की बेइज्जती करने पर तुल गया है। मैं आज ही उसका खात्मा किया देता हूं। डैडी आप क्या करने जा रहे हैं? तुम यही खड़ी रहो। तूने मेरी कौन सी इज्जत रख ली है? सेठ ज्वाला प्रसाद की बेटी का एक तांगे वाले के बेटे से प्यार? आप मेरा गला घोटती थी। लेकिन तू जिंदा रहकर बाप की इज्जत का ख्याल नहीं करेगी? मैं मर जाऊंगी डैडी। उस नीच के लिए? तेरे मरने से पहले मैं उस नीच को ही क्यों ना खत्म कर। लेकिन डैडी आप अपने तो सोचिए, अगर आपने खून कर दिया तो आप मुझे फांसी हो जाएगी। जैसी औलाद से इज्जत लुटाने के बजाय यही अच्छा है। बात तो रह जाएगी, सेठ ज्वाला प्रसाद ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मौत कबूल। नहीं डैडी नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगर आप यही चाहते हैं तो वो कभी नहीं आएगा। वादा करती हूँ।
एक बार उससे मिल लेने दीजिए। अच्छा आज पहली बार देख रहा हूं कि मुझे देखकर बजाय तुम खुश होने के और रंजीदा हो गई। बोलो राधा, खामोश क्यों? क्या ये सच है कि तुम्हारी शादी मदन से हो रही है? अब तुम्हें एक जिंदा लाश हो राधा। जला देंगे तो जलकर राख हो जाऊंगी, जमीन में दबा देंगे तो मिट्टी में मिल जाऊंगी। नहीं राधा, ऐसा ना कहो। जब तक तुम्हारा किशन जिंदा है वो तुम्हारी खुशी में अपनी जान तक निछावर कर सकता। किशन? हाँ राधा, मैं जानता था ये सच नहीं हो सकता। कह दो कि मदन झूठा है। नहीं नहीं, वो झूठा नहीं है। तो क्या तुम सच मदन से शादी कर रही हो? हाँ। मैं तुमसे दूर जा चुकी हूँ किशन। अब तो पप्पा झोंका एक तरफ से आया था और दूसरी तरफ चला गया। नहीं राधा, तुम मेरे जीवन में हवा का छौंका बन के नहीं आई, एक मुस्तकिल दर्द बन के आई। जान जाएगी तो दर्द भी जाएगा। राधा, तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत है कि अगर तुम चाहो भी तो मुझे नहीं भुला सकती। नहीं किशन, मैंने तुम्हें भुला दिया, मैंने तुम्हें भुला दिया। अगर दिल किसी से लगाया न होता, अगर दिल किसी से लगाया न होता, जमाने ने हमको मिटाया न होता, जमाने ने हमको मिटाया न होता। गिराना ही था तूने आंसू समझ के, गिराना ही था तूने आंसू समझ के, आंसू समझ के तो नजरों में हमको बसाया न होता, तो नजरों में हमको बसाया न होता, जमाने ने हमको मिटाया न होता। मुकद्दर में गल यही रुसवाइयाँ थी, मुकद्दर में गल यही रुसवाइयाँ थी, रुसवाइयाँ थी तो महफिल में तेरी मैं आया न होता, तो महफिल में तेरी मैं आया न होता, जमाने ने हमको मिटाया न होता। अगर तेरे दामन की
कसरत न होती अगर तेरे दामन की हसरत न होती, हसरत न होती तो यूं जिंदगी को लुटाया न होता। अगर दिल किसी से लगाया न होता, जमाने ने हमको मिटाया न होता। किशन समझ ले ये एक सपना था, धक्के देकर निकाले गए, तुम जेल हुआ है, घोड़ा भी पिक गया, मोहब्बत का गला घोंट दिया गया। अगर ये सब कुछ सपना समझ लूं बापू तो फिर हकीकत किसे समझूं? हकीकत यह है कि तुम एक गरीब बाप के बेटे हो और राधा एक अमीर बाप की बेटी। गरीब आदमी के यहां पैदा होकर मैंने क्या पाप किया है? राधा ने कौन सा पाप किया है कि वो एक अमीर आदमी के यहां पैदा हुई? हम दोनों का क्या दोष है जो हमारे अरमानों का खून किया जा रहा है? दोष तुम दोनों का नहीं, मेरा है। तुम्हारा? हाँ, मैं गरीब आदमी हूं, शायद मुझे औलाद का हक नहीं। ऐसा ना कहो बापू, तुम शरीफ हो, दयानतदार हो। ऐसा बापू मिलना हर एक किस्मत में नहीं। लेकिन अगर मैं अमीर होता तो क्या? शराफत तो दयानतदारी पाप है। नहीं नहीं किशन, तुम ऐसा ना सोचो, शराफत पाप नहीं, दयानतदारी पाप नहीं, हाँ खुदगर्जी पाप है। मैं अपनी खुदगर्जी को छोड़कर अपने अरमानों का गला घोटकर तुम्हें एक अमीर आदमी बना सकता हूं। तुम कैसी बातें कर रहे हो बापू? तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ, हमें जाना है। तुम यहां ठहरो। मेरे बच्चे किशन, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे। बापू तुम्हें क्या हो गया है, आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? कुछ नहीं मेरे बच्चे, किससे मिलना है आपको? मोहन की मां से। मोहन की मां से? उनसे आप उस वक्त तक नहीं मिल सकते जब तक उनसे मिलने का कारण नहीं बताएंगे। आप कौन हैं? मैं उनका खास मुनि हूं। अच्छा, देखिए आपने अखबार में मोहन का ये फोटो और ये कपड़ों का हुलिया छपवाया था, ये देखिए। कपड़े तो असली हैं, मोहन कहां है? मोहन भी मौजूद है। उसका क्या सबूत है कि मोहन भी असली होगा? हो सकता है इनाम के लालच में तुम ये कपड़े कहीं से चुरा के लाए हो और मोहन अपने बेटे को बना के लाए हो। मालूम होता है कि आप मुनीम कम हैं और चोर ज्यादा हैं। जवान संभाल के बात करो। मैं मोहन की मां से बात करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी हड्डी पसली नरम ना कर दूं। मालकिन, मालकिन! क्या है बहन जी? कौन? केशव भैया, ये आपका मुनीम मुझे चोर कह रहा था। मुनीम जी, आप आदमी को नहीं पहचानते? पहचाना है मालकिन, जब ही तो कह रहा हूँ। कपड़ों से आदमी नहीं पहचाना जाता। केशव भैया, कैसे आना हुआ? बहन जी, मैंने आपसे वायदा किया था ना कि मैं आपके मोहन की तलाश करूंगा। क्या मिल गया मेरा मोहन? कपड़े? ये तो मेरे मोहन के कपड़े हैं, कहा
कहाँ है मेरा मोहन? मैं उसे नीचे छोड़कर आया हूँ। मोहन! ठहरिए, मोहन को लेने से पहले मेरी एक शर्त सुन लीजिए। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, अलावा इनाम के और जो कुछ चाहिए दूंगी, लेकिन मुझे मेरे मोहन से मिलने से ना रोकिए केशव भैया। आपका मोहन आपको मिल जाएगा, पहले आप मेरी शर्त तो सुन लीजिए। मुझे इनाम में आपसे रुपए नहीं चाहिए, बल्कि अपने मोहन की खुशियां चाहिए। बहन जी, आपका मोहन और मेरा किशन दोनों एक ही हैं। मैंने हमेशा उसे अपने कलेजे से लगाकर रखा, आज मजबूरन मैं उसे जुदा कर रहा हूं, क्योंकि इस अंधी दुनिया ने मेरे बच्चे की खुशियां इतनी ऊंची दुकान पर ले जाकर रखी हैं, जहां मेरी गरीबी का हाथ नहीं पहुंच सकता। वहां सिर्फ अमीर ही सौदा कर सकते हैं, और तुम अमीर हो बहन जी, तुम उसकी हर खुशी खरीद सकती हो। वचन दो कि जिस लड़की को वो चाहता है तुम उससे ही उसकी शादी कराओगी। मैं उसकी खुशियां खरीदने के लिए अपनी सारी दौलत लुटा दूंगी। बताइए कौन है, किसकी लड़की है वो? जयपुर के मशहूर रईस ज्वाला प्रसाद जौहरी की लड़की। ज्वाला प्रसाद जौहरी की? जी। भाई साहब, आप बारात की तैयारी कीजिए, राधा तो बचपन से मोहन के लिए मांगी हुई है। हे भगवान, मेरी मेहनत सफल। बहन जी, आप फौरन बारात लेकर जाइए, मैं आपको वहीं मिलूंगा। पापू, पापू, मेरा किशन मुझे पुकार रहा। कौन? मेरा मोहन, मोहन! पापू, मोहन, तू आ गया मेरे लाल, मेरे बच्चे। माँ कहे जा, माँ कहे जा, मेरी ममता के कानों ने तेरी उस वक्त आवाज सुनी थी जब तुमने केशव भैया के यहाँ मुझे पहली बार माँ कहकर बुलाया था। मोहन, मेरे बच्चे, मेरे लाल, मोहन, फिर माँ कहे मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे लाल। मैं तो अपने बापू का बेटा हूँ। हाँ, तेरे बापू ने तुझे पाला है, लेकिन मैंने तुझे जन्म दिया है। क्या मेरी आगोश में आकर तुझे ऐसा नहीं लगता कि जहाँ से तू गया था वहाँ फिर वापस आ गया? मेरा बापू कहाँ है? तेरे बापू अंदर है, आ। बापू, 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 कहाँ है मेरा बापू? कहाँ गए केशव भैया? अजीब आदमी था, इनाम भी नहीं लिया और बालकनी से कूद कर भाग गए। भाग गए? बापू भाग गए? बापू भाग गए? नहीं, नहीं, तुम चा मुझे छोड़ के जाने वाले थे ना, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। माँ, मैं अपने बापू को ढूंढ के लाता हूँ। नहीं मेरे लाल, मुझे छोड़कर ना जा, मैं ज्वाला प्रसाद जी के यहाँ तेरी बारात लेकर जाने वाली हूँ। उन्होंने मुझसे वादा किया है वो वहाँ जरूर आएंगे। मुनिम जी, जी, ट्रंक कॉल मिलाइए, मैं ज्वाला प्रसाद जी से बात करूंगी। बहुत अच्छा, मैं अपने बेटे की बारात लेकर जाऊंगी। तुम मत रो मेरे लाल, तेरी मैं तेरे लिए बरसों रोई। पीपी होल्डिंग। नमस्ते ज्वाला प्रसाद जी, मैं माधव प्रसाद जी का मुनीम बोल रहा हूँ। मुनीम जी, नमस्ते, नमस्ते। मालकिन आपसे कुछ बात करना चाहती है। नमस्ते भाई साहब, मेरा बेटा मोहन मिल गया है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात। और दूसरी खुशी की बात यह है कि मैं बैसाखी के दिन बारात लेकर आ रही हूँ। है बारात? ये तो आपके मन की बात कही ना, मैं जानती थी मोहन को पाकर आप मुझसे भी ज्यादा खुश होंगे। मगर भाभी जी, इतनी जल्दी तो? मुनीम जी, बारात की तैयारी करो। हेलो, 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 एक्सचेंज लाइन नहीं कर रही। क्या बात है, क्या कह रही थी? उनका मोहन उन्हें मिल गया है, बैसाखी पर वो बारात लेकर आ रही। मोहन मिल गया है? मगर आप तो मदन के चाचा को जुबान दे चुके हैं। इसी उलझन में तो पड़ गया हूं कि अब क्या होगा। मुबारक, मुबारक हो ज्वाला प्रसाद जी, पंडित जी ने बैसाखी का दिन बारात के लिए निकाला है। राज बहादुर जी, मुझे एक बड़ी जरूरी बात करनी है, मैं बड़ी उलझन में पड़ गया हूँ। अजी, आपको उलझन में पड़ने की क्या जरूरत है?
शादी हो जाए सब उलझने आपकी दूर हो जाएंगी। मेरा बात सुनो, यहाँ आओ। देखो भाई, इस घर को भी बिल्कुल इसी तरह सजाना जिस तरह तुमने हमारा घर सजाया है। दोनों जौहरियों की सजावट एक जैसी होनी चाहिए। और सुनो भाई, ये जगह भी देख लो, कहाँ कहाँ काम करना है तुम्हें। राज बहादुर जी, मुझे जरूरी बात करनी है आपसे, मेरी इज्जत का सवाल। ज्वाला प्रसाद जी, मैं कहाँ दहेज में आपसे लाख दो लाख रुपए मांग रहा, आप वैसे ही घबरा रहे हैं। और सुनो अब, अरे भाई देखो, इस तरफ लक्ष्मी है, इस लक्ष्मी का खास ख्याल रखना, इस खूबसूरती से बत्तियां लगाना। बात को है बिल्कुल जैसे अपने यहां लगाई हुई है ना, बिल्कुल उसी तरह से। ज्वाला प्रसाद जी, ये जयपुर का बेस्ट कारीगर है, इसके हाथ में वो सफाई है कि आप सारी जिंदगी याद रखेंगे। अच्छा आदाब। तो बेचारा कांप रहा है ज्वाला प्रसाद जी, जरा एकान दे दीजिए इसे कि ये। हाँ हाँ, ऊपर चलिए ऊपर चलिए। आओ बेटे, आओ। लो बेटे, तुम दूल्हा भी बन गए। थोड़ी देर में राधा का हाथ तुम्हारे हाथ में होगा, आपकी दुआ से अंकल। मगर भतीजे, अभी तक तिजोरी का नंबर मेरे हाथ नहीं आया। घबराते क्यों हैं अंकल, ब्याह तो हो जाने दीजिए। भतीजे, मेरे चचा बनने की कोशिश मत करो, नंबर जल्दी से बता दो, 9 बजने में थोड़ी देर बाकी। नंबर मिलने में बहुत देर है अंकल। ये बात है, यही समझ लो, मेरे पास तिजोरी का नंबर ही नहीं, आपका नंबर भी है अंकल। इतनी तिजोरियां तोड़ चुके हो फिर भी पेट नहीं भरा। कटोरा भरने से पहले छलकने लगा। मैं भी देखता हूं ये शादी कैसे होती है। आप तो मजाक कर रहे हैं अंकल। कोई स्वागत को नहीं आया? मां, तुमने ट्रंक कॉल तो ठीक किया था ना? हाँ किया तो था, चलो अंदर चल के देखें। भाभी जी, आप लोग गुमसुम क्यों हैं? भाभी जी, बात यह है, दूसरी बारात भी आई हुई। क्या कहा, दूसरी बारात? दूसरी बारात? ज्वाला प्रसाद जी, ये क्या मजाक है? राज बहादुर जी, यही तो मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सब समझ रहा हूँ, आप इतने आदमियों में मेरी पगड़ी उछालना चाहते हैं। अगर आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो मुझे तो मेरी इज्जत का ख्याल है। और अगर आप ये समझते हैं कि आप बहुत बड़े जौहरी तो ये गलत, आपको अपनी जबान का पास नहीं। और आपका ये ख्याल हो कि राज बहादुर के भतीजे को दूसरा रिश्ता नहीं मिलेगा तो ज्वाला प्रसाद जी आप जैसे हजारों आदमी। चाचा जी चुप रहे बेशर्म, अगर मैं तेरी जगह होता तो एक मिनट यहां ना खड़ा रहता। क्या इससे ज्यादा किसी की बेइज्जती हो सकती है? चाचा जी सुनिए तो। मुझे कुछ नहीं सुनना, अगर तुम्हें यहां रहना है तो पड़े रहो, मैं बारात लौटा रहा हूं। चलिए साहब चलिए। चाचा जी अरे जरा सुनिए तो साहब, सुनिए राज बहादुर जी, जरा सुनिए तो। मैंने आपसे ज्यादा गिरा हुआ आदमी नहीं देखा। आपको ऐसी क्या पड़ी है, क्या हमारी लड़की को रिश्ते नहीं है? दूसरी बारात घर में आई हुई है। भाभी अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ है। बेटा पैर छू। अब तो खुश हो ना केशव भैया, सब नसीब की बात है। किशन, अरे ये तो कोचवान का बेटा किशन। किशन मेरा बेटा है भाई साहब। भाभी जी, उस कोचवान ने तुम्हें नहीं मुझे धोखा दिया है, इसे तुम्हारा बेटा बनाकर वो मेरी गर्दन दुबोचना चाहता है। दरअसल ये तुम्हारा बेटा नहीं। अगर ये मेरा बेटा ना होता तो इसे देखकर ममता का वो जोश ठंडा ना होता जिसने मुझे पागल बना दिया। ये खो गया था, मैं खो गई थी, ये मिल गया, मैंने अपने आप को पा लिया। राधा किशन की बारात आई है। किशन भाई साहब, वो कुशवंत कोई छोटा आदमी नहीं है,
उसने न सिर्फ मेरे बच्चे को पाला है बल्कि अपने घर में रखकर मेरा इलाज भी कराया। इसमें भी उसकी कोई चाल है, वो बड़ा धोखेबाज है। जबान को काबू में रखिए सेठ जी, मैं अपने पापा के बारे में ज्यादा नहीं सुन सकता। मेरे पापा की इज्जत ना हो वह मैं खुद रिश्ता करने को तैयार नहीं। क्या कर रहा है नादान? किशन ने चेहरा फेंक दिया है और वो वापस जा रहा है। नहीं नहीं, वो वापस नहीं जा सकता। हार मानने वाला नहीं है। अरे ये क्या कर रहे हो? उसका दम छूट जाएगा। अरे बच्चा, कितनी गर्मी है। तिजोरी की चाबियां नहीं होती। 12 घंटे घर से गुजरे। डॉक्टर साहब, क्या राधा 12 घंटे जिंदा रह सकती? अंदर जगह कितनी? मामूली से एक आदमी खड़ा हो सकता। अंदर हवा जाने का रास्ता है? नहीं नहीं, कोई रास्ता नहीं, सब कुछ मुश्किल है। डॉक्टर साहब, शेख जी केस में किसको बुलाइए? पुलिस को बुलाइए। शेख जी राधा को निकलवाइए अंदर से। मेरे बच्चे का क्या होगा? हेलो आइयो, नहीं खुलेगी अभी, ये 12 घंटे के बाद ही खुलेगी। केशव तुम मत जाओ, तुम्हारी गिरे बहुत भारी है। देवी मुझे आखिरी दफा माफ करिए। करो, ये तिजोरी इन हथौड़ों से नहीं खुलेगी। आपके पास नंबर नहीं है भाई साहब। नंबरों से भी कोई फायदा नहीं भाभी, ये तिजोरी कल अपने वक्त पर ही खुलेगी। इसका मतलब क्या है? क्या मेरी बच्ची अंदर ही बच रहेगी? उसे कौन बचाएगा? उसे कौन बचाएगा? हे भगवान, वो कौन सी गरीब के काम लीजिए भाभी, भगवान पर भरोसा रखिए। राधा को मैं बचाऊंगा, किशन की तरह वो भी मेरी बच्ची है, मैं खोलूंगा इसे। तुम कौन हो बाबू? राज बहादुर का, लेकिन तुम कौन हो?
तिजोरी तोड़ना तुमने कहां से सीखा? गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं भैया को मत पकड़ो। इसमें बाबू को क्या दोष है? तुम नहीं जानते, शहर में पहले भी कई तिजोरियां टूट चुकी हैं और हमारा अंदाजा है कि ये काम इसी का। आपको अपना चोर पकड़ने की पड़ी है, लेकिन मेरी बच्ची का क्या होगा? आप हौसला रखिए, आपकी बच्ची और दौलत दोनों मिल जाएगी। लेकिन कैसे? इस कैसे का इंस्पेक्टर साहब के पास कोई जवाब नहीं। देखो, आपको फुल सेट पहले मुझे मार दीजिए। हट जाओ। ये सब बैग में डाल दो, जल्दी करो। रखो यहाँ पर, रखो यहाँ पर, बोले जाओ। कौन है? बाहर आओ। आप हैं, आइए आइए, तशरीफ लाइए। भाई बड़े ही बेगैरत हो, आपका भतीजा हो सर, इसीलिए तो कहा था बरखुरदार, चचा बनने की कोशिश मत करना। दादा यहां कैसे? तिजोरी के नंबर तो मैंने आपको नहीं दिए थे, मगर मुझे तुम्हारे नंबर मालूम। बरखुरदार, जो तुम्हारा चचा कर सकता है ना, वो तुम सोच भी नहीं सकते। मैं किस काबिल हूं? मैं तो आपका सेवक हूं। यही तो सेवा करके तुमने बताई है मुझको। इस लौकी को तिजोरी में बंद करके तुमने इसे हमारा हमराज बना दिया है। इसके सिवा मैं कर ही क्या सकता था अंकल? मैं ज्वाला प्रसाद की सब दौलत छोड़ सकता था, मगर इस हीरे को नहीं। तो उठा इस हीरे को, चलते फिरते नजर आओ। अंकल, आपके चरणों को छोड़कर और मैं कहां जा सकता? जहां तुम्हारे सिंह समान। तुम्हें नहीं मालूम, इस लड़की की वजह से हमारा इस शहर में रहना दुर्भर हो गया। भेजो, जल्दी करो, सामान बंद करो। सामान बहुत है, थोड़ी देर और लगेगी। परवाह मत करो, जितना बन गया उतना पास रखो, बाकी गोली मारो, यहां नहीं रुकना है किसी हाल में। बढ़ाओ तो जल्दी करो, चलाओ जल्दी। ओ, तो ये तुम हो जो शीशा तोड़कर अंदर आए हो? शीशा तोड़कर तुम्हारा सर तोड़ने आया? बदमाश, मेरे हुनर में तूने मुझे ही फंसा दिया। अगर फंस गए हो तो मेरे साथ भाग चलो, तो मैं भी माला माल कर दूंगा। चांद प्यारी है तो ये माल वापस कर दो, और अगर मैं वापस न करूं तो मैं तुमसे जबरदस्ती कराऊंगा। केशव, मेरे हाथ में बंदूक है, ताला नहीं जिसे तू तोड़ लेगा, मैं तुझे तोड़ डालूंगा। अगर जान प्यारी है तो वापस चला जा। जाऊंगा, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी अलग करके। हे केशव, आगे मत बढ़नी, गोली मार दूंगा। चलाओ। Thank you.
इंस्पेक्टर साहब, ये है आपका चोर। ये है आपका माल। जी हाँ, 67 संभालो इसे। लेकिन मेरी बच्ची कहाँ है? मम्मी, राधा, मम्मी, राधा, राधा मेरी बच्ची। डैडी, मैंने आपसे कहा था ना कि आप सिर्फ पत्थर परखते, इंसान नहीं। एक तांगे वाले को गरीब होने की वजह से आपने चोर समझा, और एक चोर को दौलतमंद होने की वजह से आपने बड़ा आदमी कहा। लेकिन मुझे मुझे एक तांगे वाले का बेटा होने को पहले भी नाज था, और अब भी नाज है। तो कुछ नहीं देता, तू दौलतमंद माँ का बेटा है, तांगे वाले का नहीं। केशव भैया, तुम गरीब नहीं, तुम्हारे पास तो दिल की दौलत है, और वो दौलत ऐसी है जिसे हम अपनी सारी दौलत खर्च करके भी नहीं खरीद सकते। दौलत से आदमी बड़ा आदमी नहीं जीता, दौलत को ठुकरा कर आदमी बड़ा आदमी है, और वो बड़े आदमी तुम। ये लड़का भी तुम्हारा है और ये लड़की भी तुम्हारी है।